أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه الله يستجاب لها ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير ابيك نسعينه يا فتاح يا فتاح اللهم لا سهله الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الهزنه اذا شئت سهله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوره خوف تو یہاں پر دیکھیں کہ سوره خوف اوكي okay. تو یہ جو سوره ہے یہاں سے ہمارا تیسرا گروپ کا آغاز ہوتا ہے ठीक है यानी कि तीन ग्रुप्स है ना कुरान के अंदर जो है कुरान के सूरह तीन ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं अच्छा वो आ, आ, वो स्लाइड आप डिस्प्ले कर दीजिए जिसमें डिविजन ऑफ सूराज है अगर रेडी है तो तो यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने आ, कुरान आ, को जो है तीन हिस्सों में डिवाइड किया है क्या क्या है कि एक जो है आप तोद है एक हिस्सा आपकी जो है रिसालत है और एक हिस्सा आपका आखिरत है ठीक है तो अब उसी तरीके से ये जो कुरान के जो सूरे है कुछ सूरों की थीम जो है पूरा किसके अतराफ घूमती है तोहिद के अतरा घूमती है कुछ सूरों की थीम जो है आखिरत के अतराफ घूमती है कुछ सूरों की थीम जो है रिसालत के अतराफ घूमती है तो ये जो सूर काफ़ है यहाँ पर से आखिरत वाली जो थीम वाले जो सूर है या ग्रुप है वो शुरू होता है इससे पहले हम लोग शुरू में देखे रिसालत की थीम थी दरमिया जो हिस्सा है कुरान का जो बीच का हिस्सा है वो अक्सर पूरे सूरतें जो है तोहहीद के अतराफ जो है घूमते हैं अब ये जो आखिरी हिस्सा है वो आखिरत के अतराफ घूमता है ये जो आखिरी हिस्सा है वो आखिरत के अतराफ़ घूमता है जो शुरू हो रहा है सुरय खौफ से ठीक है सुरय खौफ से इसकी इब्तः हो रही है तो सूर्य खौफ अगर हम देखेंगे तो ये जो सूर खौफ जो है शुरू हो रहा है हर्फ मुखफ से तो इसी से इसका नाम रखा गया है ये अलामती तौर पर इसका नाम रखा गया है अगर हम इसका जो है जमान नजूल देखेंगे तो जमान नजूल इसका जो है तीन नबवी से पांच नबवी के दरमियान है क्या है जमान नजूल इसका तीन नबवी से पांच नबी के दरमियान है अब यहाँ पर हम आपको बैकग्राउंड में वो जमाना भी लाने का है कि जैसा आप वसल्लम को नबूवत मिली फिर उसके बाद तीन साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत की वन टू वन जो है दावत चलते रही उसके बाद तीन से पांच नबवी के दरमियान क्या था हालात के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूम होना शुरू हो गया कि आप अलैहि वसल्लम इस तरीके से तोहिद की दावत दे रहे हमारे आबा व अजदाद के जो तरीके है उसकी जो है नफी कर रहे हमारे आबाब अजदाद के जो बातिल जो शिरद है उसको अगेंस्ट बोल रहे तो फिर ये जब उन्होंने देखा तो फिर क्या करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत शुरू कर दिए और आहिस्त आहिस्ता वो मुखालिफत में शिद्दत बढ़ना शुरू हो गई मजाक उड़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ बुरा भला बोलना साहब इक्राम को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके ऊपर जो है कोई शिद्दतें करना तो ये अब पर अभी क्या है लिटरल जुल्म जो है शुरू नहीं हुआ था तो उसके दरमियान की ये सूरत है क्योंकि अगर हम इसका जो है मजमून देखेंगे ये सूर्य का मजमून अगर हम देखेंगे यानी कि जो कंटेंट है ये सूर्य का वो अगर हम देखेंगे उस पर गौर करेंगे तो इसके अंदर आखिरत से रिलेटेड बातें ज्यादा बताई जा रही हैं ताकि उनका जो यकीन है उनका जो यानी कि आखिरत का जो गलत कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया जाए क्या बताया जा रहा है आखिरत के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा रहा है ये सूर क्या है अगर हम इसके यानी कि आयतों को देखेंगे तो ये सूर फोर्टी फाइव आयतों पर बेस्ड है यानी कि टोटल जो है ये सूर्य की फोर्टी फाइव आयते हैं और फिर ये सूरा नंबर अगर कुरान की तरतीब के लिहाज से देखेंगे तो फिफ्टी सूरा है और इसके तीन रुकवात है ठीक है तो अब यहाँ पर देखिए रुकवात कम है पर आयतें फोर्टी फाइव है तो आयतें जो है छोटी छोटी है और आप ये चीज पूरे अब ये पूरा जो यहाँ से जो सूर्य खौफ से है अक्सर आयतें आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है रिदम बहुत फास्ट है यानी कि छोटी छोटी आयतें हैं और फिर रिदम आप ऐसा देखेंगे जैसा कि एक के ऊपर एक जो है बुलेट्स जो है मारी जा रही है दिल के ऊपर अगर हम तेजी से अगर हम इसको पढ़ेंगे ना तो ऐसा अच्छा दिखेंगे कि बुलेट्स जो है हमारे दिल पर मारी जा रही है जबरदस्त आयतें हैं और इतनी जबरदस्त रिदम वाली आयतें हैं कि सेम रिदम आपको जो है ये सूर्य में महसूस होगा तो उसके अलावा यहाँ पर जैसा मैं बताई ना कि ये कौन सी जमाने में नाजिल हुआ थर्ड से जो है फिफ्थ नंबी के जमाने में नाजिल हुआ और यहाँ से जो है थर्ड ग्रुप का आगाज हो रहा जहा जिसका मरकजी मजमून जो है आखिरत है यानी कि ये थर्ड ग्रुप से यहाँ पर सूर्य खौफ से जो शुरू हो रहा है कहाँ तक रहेगा सूर्य वाक्य तक अब सूर्य खौफ से सूर्य वाक्य तक टोटल सेवन सूरते हैं ठीक है टोटल सेवन सूरते हैं और पूरे सूरतें क्या है आखिरत पर बेस्ड है फिर उसके बाद इसको डिवाइड होगा मदनी सूरतों से जो हमारा 28 पारा है 28 पारा उसके अंदर पूरे पूरे जितने भी सूरते हैं वो पूरी 10 सूरते मदनी हैं ठीक है नहीं सूर्य हदीत से शुरू हो रहा जो आखिरी हिस्सा है 27वें पारे का फिर उसके बाद जो है पूरे सूरते 10 टोटल सूरते जो है मदनी आएंगी फिर उसके बाद सूरह मुल्क से लेकर सूरह नास तक ऑलमोस्ट पूरी पूरी जो जो हैं वो मक्की है है तो ये दो मिलाकर हमारा आखिरत के ऊपर जो है थर्ड जो ग्रुप है वो हमारा है ठीक है तो इससे पहले हमारे दो ग्रुप गुजर गए दो, दो ग्रुप्स गुजर गए पहला ग्रुप में दो हिस्से थे जो हमारे क्या है कि ओके okay. जो हमारे जो है रिसालत पर बेस था इनशाला कल मैं इसकी जो है आप लोगों को पूरा चार्ट के जरिए से इनशाला आप लोगों को कल मैं बताऊंगी ठीक है तो चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि कल चार्ट के जरिए से मैं जब बताऊंगी तब आपको समझ में आएगा अब ये सुर सुर खौफ अगर हम देखेंगे कि हाईलाइटिंग जो आयतें हैं वो कौन सी कौन सी है एक तो आयत नंबर सिक्सटीन है जिसके अंदर अल्लाह तला फरमाते हैं कि अल्लाह रगे जान से भी ज्यादा करीब है ठीक है अल्लाह इंसान के रगे जान से भी ज्यादा करीब है फिर आयत नंबर में अगर हम देखेंगे तो वो वाली जो है आयत आएगी जिसके अंदर अल्लाह तुम अपनी रकीबुल अतीत जो भी जबान से अपने निकालता है उसको जो है एक हाजिर बाश फरिश्ता मौजूद होता है जो उसको लिख लेता है हर चीज लिखी जा रही है इंसान की हर जबान से निकला हुआ लफ लिखा जा रहा है फिर आयत नंबर थर्टी में खतरनाक जो है ये सूर्य की जो है खतरनाक इनफैक्ट आयत है जिसके अंदर जो है अल्लाह तहनुम से पूछते हैं कि क्या क्या जो है तू भर गई हलीम तलाती क्या तू भर गई तो जहनुम बोलेगी अल्लाह तला को क्या हर, हल में मजीद क्या और बाकी है अल्लाह तला है तो डालो और बाकी है जहा तो मेरे पास जो है बहुत जगह है अलमिया और जो है डालो तो ये वाली जो है आयत बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है उसके बाद हम देखेंगे कि ये सूर्य को हम जो है चार हिस्सों में डिवाइड करेंगे आयत नंबर वन से फिफ्टीन तक इनकार अब देखिए मैं शुरू में बता दी थी, ये थीम क्या है ये सूर्य की थीम क्या है आखिरत है ठीक है सूर्य की थीम आखिरत है तो अब आयत नंबर वन से फिफ्टीन तक इनकार आखिरत जो मुशरकिन और कुफार जो थे आखिरत का इनकार कर रहे थे तो अल्लाह ताला उसकी दलील बता रहे फिर दूसरा आयत नंबर सिक्सटीन से ट्वेंटी नाइन तक हम देखेंगे कि हशर में जो हाजिरी और पेशी होगी कि लोगों के अमल के साथ फरिश्तों के साथ जो है हाजिरी होगी अल्लाह ताला के सामने पेशी होगी उसके हिसाब से उसका जो है नाम अमल देखा जाएगा फिर आयत नंबर थर्टी से थर्टी फाइव में जो है एक थोड़ा सा जिक्र जहानुम का है और ज्यादा जिक्र जो है जन्नत का हमको मिलेगा और फिर उसके अंदर जो है मुतकीम की यानी कि जन्नत में जाने वालों की क्वालिटीज भी जो है इसके अंदर बताई जाएगी फिर उसके बाद आखिरी जो हिस्सा है आयत नंबर थर्टी से फोर्टी तक एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबर की तलखी नसीहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा रही है और फिर आखिरी में जो है कंक्लूड भी किया जा रहा है कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है खबर से जब उठेंगे तो क्या मंजर रहेगा वो भी उसका थोड़ा सा नक्शा खींचा गया है तो चलिए ये बैकग्राउंड के साथ इनशाला हम लोग आज अपना सूरा स्टार्ट करेंगे من بسم الرحمن والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب شروع الله کے نام سے جو نہایت مہربان رحم والا ہے قاف قسم ہے قرآن مجید کی تو اب حرف مقطعات قاف سے سورة سورہ راه और इसी यानी कि अल्लाह ताला ये बता रहे कि इसी तरीके से अलग अलग लेटर से मिलाकर अल्लाह ताला ने ये खूबसूरत कलाम अपना जो है नाजिल फरमाया है और एक लेटर से शुरू होने वाले और भी कौन से सूरे हैं जो ऑलरेडी हम गुजर चुके हैं एक तो जो है हमारा सुर स्वाद है जो हम पढ़ चुके हैं और दूसरा क्या है आगे आएगा इन शह सूर्य ट्वेंटी नाइन्थ बारे में सुर नून ठीक है जिसको हम सूर्य कलम भी कहते हैं तो वो वो वाला तो ये तीन सुरे है जो एक लेटर से कुरान के अंदर शुरू होते हैं तो अल्लाह यहाँ पर बता रहे हैं मजीद मजीद किताब है उसकी जो है अल्लाह तरह खा रहे बल्कि इन लोगों को इस बात पर हुआ है कि खबरदार करने वाला खुद उन्ही में से इनके पास आ गया है यानी कि उनकी इनकार करने की रीजन क्या है क्या क्या वजह है इनकार करने का कि हमारे पास हमारी ही में से एक शख्स जो है उठकर हमको आखिरत की बात बता रहा है तो यहाँ पर उनको इस बात पर ताजुब हो रहा है और उसकी वजह से वो इनकार कर रहे हैं फिर मुनक्रीन कहने लगे ये तो अजीब बात है क्या हम में क्या जब हम मर जाएंगे और खाक हो जाएंगे तो दोबारा उठाए जाएंगे ये वापसी तो अखल से बीद है हालांकि जमीन इनकी जिसमों में जो कुछ खाती है वो सब हमारे इल्म में है और हमारे पास एक किताब है जिसमें सब कुछ महफूज है तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला उनका एतराज को जो है अल्लाह ताला दूर करे एतराज उनका क्या है कि क्या हम जब मर जाएंगे और मिट मिट जाएंगे कुछ भी हमारी हड्डी पसली कुछ भी बाकी नहीं रहेंगी क्या दोबारा पैदा करके उठाए जाएंगे अल्लाह तला बता रहे कि उनके जिसम में से कौन सी मिट्टी कौन सा उनका जिसम का हिस्सा खा रही है वो सब अल्लाह तला को मालूम है और ये तमाम चीजें इनफैक्ट हर चीज जो है अल्लाह तला के पास जो है लिखी हुई है हर चीज अल्लाह के पास मौजूद है तो अब देखिए कि इंसान जब इंसान जब खबर में डाला जाता है तो खबर में डाला जाने के बाद थोड़े से वक्त के के बाद उसका जो है है वो मिट्टी क्या खाने लगती है उसका जिसम जो है सड़ने लगता है उसका जिसम जो है गलने लगता है और वो मिट्टी खा लेती है और फिर क्या है कि अल्लाह कुछ दूसरे अंदाज में यानी कि कीड़े है जो भी चीजें हैं उसके जरिए से तो अब अल्लाह तला को मालूम है कि कौन सा कीड़ा कौन सा हिस्सा कहा से वो अज्जा को जमा करने का है और सिर्फ इतनी ये अलबत् फजीलत याद रखिए कि इंसानों के जिसम को मिट्टी खाती है पर अम्बिया इक्राम के जिस्मों के जिस्मों को अल्लाह ताला ने मिट्टी पर हराम कर दिया है यानी कि अम्बिया इक्राम के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती अल्लाह जिस्मों की भी जो है ये इज्जत और एहतराम करके उनके जिस्मों को बाकी रखा है और फिर वही जिस्म अल्लाह ताला और बेहतर अंदाज में अल्लाह तिरत में उठाएंगे उसके अलावा कुछ और भी जो है अल्लाह तला जिसको इज्जत देना चाहे उनके भी जिसमों को अल्लाह तक रख सकते हैं जो जैसा अक्सर शहीद के बारे में आता है अक्सर जो है हमको सुनने में आता ना, वो फला जो है खबर कितनी कि पुरानी थी पर अभी भी देखे तो जिसम वैसे का वैसा बाकी अल्लाह तलाके तो अल्ला तला से महफूज रखते हैं उमर रजोरे का और एक्सपेंशन एक्स, एक्स, हो रहा था मस्जिद नबी का तो उसमें बताया जाता है की जब वहां पर खोदा गया तो जो है उमर रज का पैर नजर आया और बिल्कुल वो सही और सालिम था तो ये भी जो है एक यानी कि इस तरीके से भी अल्लाह तक चाहे ये फजीलत अदा कर सकते हैं ठीक है ठीके? ये फजीलत अल्लाह तला अदा कर सकते हैं तो अब देखिए कि यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? कि अल्लाह ताला को बखूबी मालूम है कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर जा रहा है अब जैसा एक हदीस जैसा हम पढ़ते आ, सुनते हैं ना बारहा कि एक शख्स था जब वो मरने लगा बहुत गुनेगार था बहुत गुनेगार था जब मरने लगा तो अपने बेटों को वसीयत करा के देखो जब मैं मर जाऊं तो मुझे क्या करना आ, जला देना जलाकर मेरी आ, जो है आ, तीन हिस्से करना मिट्टी के और फिर क्या है कि एक हिस्से को पानी में आ, बहा देना एक हिस्से को जमीन में दफन कर देना और एक हिस्से को हवा में उड़ा देना क्यामत के दिन जब अल्लाह तला वो शख्स से पूछेगा कि तुम ऐसा क्यों करे क्यों क्या वजह से तो वो शख्स बोलेगा अल्लाह ताला मुझे आपके हुजूर खड़े होने से डर लगता था मैं आपके डर की वजह से आपकी खशियत की वजह से ऐसा करा तो अल्लाह ताला जो है हुक्म देंगे कि के, के दिन अच्छा ये आ, ये आ, हशर होने से पहले अल्लाह ताला, ताला हुक्म देंगे कि उसका जो हिस्सा जो जमीन में दफनाया गया था पानी में बहाया गया था हवा में जो है बिखराया गया था अल्लाह ताला वो तमाम को अज्जा को जमा करेंगे जमा कर कर वो इंसान को जो है उठाएंगे उठा कर फिर उससे सवाल करेंगे और सवाल करने के बाद जब वो जवाब देगा कि अल्लाह ताला तेरे खौफ की वजह से ऐसा करा तो अल्लाह ताला बोलेंगे कि ये खौफ की वजह से आज मैं तुझे माफ कर देता हूँ तो अब यहाँ पर हदीस यह से हमको क्या समझ में आता है कि अल्लाह ताला तमाम अज़ा, चाहे वो पानी में बह जाए चाहे उसको जो है मछली खा ले चाहे उसको जला दिया जाए चाहे उसकी जो है राख को बिखरा दिया जाए पर परमत में अल्लाह वो तमाम राख को वो तमाम अज्जा को तमाम जिसम के हिस्सों को अल्लाह तला जमा करने पर कादिर है बल्कि इन लोगों ने तो जिस वक्त हक इन के पास आया उसी वक्त उसे साफ झुटला दिया क्या है कि जब हक हाँ आया उसको साफ झुटला दिए इसी वजह से अब ये उलझन में पड़े हुए हैं अच्छा तो क्या उन्होंने कभी अपने और ऊपर आसमान को नहीं देखा इस तरह हमने उसे बनाया और आरास्ता किया है यानी कि अल्लाह तला ने उसको बनाया भी सात आसमानों को और एक के ऊपर एक तय बतह बनाया उसके अंदर कोई रखना नहीं है कोई सुराख नहीं है और साथ में उसको जो है स्टार से अल्लाह ताला ने जीनत भी बख्शी अब ये मजमून हम ऑलरेडी काफी मरतबा पढ़ चुके हैं और इसमें कहीं कोई रखना नहीं है और जमीन को हमने बिछाया और इस और इसमें इसमें पहाड़ जमा दिए और उनके अंदर हर तरह की खुशनुमा मंजर नबातात उगा दिए ये ये सारी चीजें आंखें खोलने वाले आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो हक की तरफ रुजू करने वाला हो और आसमान से हमने बाबरकत और आसमान से हमने बरकत वाला पानी नाजिल किया फिर इससे बाग और फसल और गले और और बुलंद व बाला खजूर के दर पैदा किए जिन पैदा पैदा पैदा, पैदा कर दिए जिन पर जिन पर फलों से लदे हुए खोशे तह लगते हैं तो अब अल्लाह तला बता रहे कि एक आसमान से एक पानी अल्लाह तला बरसाए और उससे क्या क्या आप भाग भी देख रहे फसल भी देख रहे गले भी देख रहे खजूर यानी कि फ्रूट्स भी देख रहे यानी कि क्रॉप्स भी उठ रही वेजिटेबल्स भी उठ रहे फ्रूट्स भी उग रहे उससे एक पानी से अल्लाह तला हर चीज जो है उगा रहे हैं तो सोचो कि जो अल्लाह तला इस पर खादिर है कि एक अल्लाह तला पानी से हर चीज को उगाने पर खादिर है तो क्या वो क्या में तुमको उठाने पर खा नहीं है क्या अक्ल नहीं है तुम्हारे को इतना बड़ा जो है आसमान देख रहे तेहबत है अल्लाह तला किस तरीके से बगैर कोई सपोर्ट के अल्लाह तला ने तुम्हारे सरों के ऊपर क्याम किया है क्या तुमको नजर नहीं आता अल्लाह तला की कुदरत के ऊपर किस तरीके से अल्लाह तला ने जमीन में इतने बड़े बड़े पहाड़ रख दिए अगर हम जो है वाकई में पहाड़ों को देखेंगे तो जमीन के हिसाब से पहाड़ इतने ह्यूज इतने बड़े हैं कैसा अल्लाह तला ने उनको गाड़ दिया क्या तुम्हारे को फिर भी अक्ल नहीं आ रही क्या फिर भी तुमको तो समझ में नहीं आ रहा और फिर देखो कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने खजूरों को इतना ऊंचा ऊंचा का दरख कैसा होता है? इतना होता है है इतना और उसके ऊपर जो है अल्लाह ताला, ताला ने वो जो है वहां पर पानी पहुंचा कर वो खजूर के अल्लाह ताला, 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 ताला ने उगा दिए अब वो जमाने में ये ये मिसालें उनके सामने थी अल्लाह ताला, ताला उससे मिसाल दे रहे अब हम जो है इवन कोकोनट ट्री को भी जो है और हर किस्म के पाम ट्रीज को हम देख सकते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे उतना ऊंचा अल्लाह ताला ने उगाया फिर क्या करे अल्लाह ताला वहां तक पानी जो है पहुंचा है और इतना मीठा बताइए कि क्या मिट्टी के अंदर शक्कर थी या पानी के अंदर शक्कर था या फिर कौन सी चीज थी जो इतने मीठे मीठे खजूर जो है अल्लाह ताला ने पैदा जो किए हैं उसके अंदर शक्कर भरने वाला कौन है अगर गौर करेंगे तो क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा जो अल्लाह इतनी कुदरत रखता है हर किस्म का जो है इंतजाम कर रहा और खास तौर पर जो है खजूर के दरख्त के बारे में आता है कि ये एवरग्रीन जो है यानी कि दरख्त है जो साल भर हमेशा जो है रहता है साल भर फल देता है ये इंतजाम है बंदों की। को रिस्क देने का यानी कि ये तो सिर्फ अल्लाह ताला बंदों को रिस्क देने का इंतजाम कर रहे इस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जिंदा बख्श देते हैं मरे हुए इंसान का जमीन से निकलना भी इसी तरह होगा खलवा लो जरा दिमाग खोलो आंखें खोलो जरा गौर और फिक्र करो देखेंगे तो तुमको समझ में आएगा इससे पहले इससे पहले क्या हुआ जैसा तुम झुटला रहे इससे पहले नूअसल की कौम और समूद और आद और फिर और लूत के भाई और एका वाले यानी कि एका वाले यानी कि सलाम की बस्ती को एका वाले कहते हैं तो आ, और एका वाले और तुब्बा की कौम यानी कि तुब्बा जो है जैसा हम देखते ना यमन का लखब है हम रिसेंटली जो है सूर्य में पढ़ चुके हैं कि तुब्बा यानी कि यमन जो कौम सबा थी या यमनी जो थे उनका लखब जो है तुब्बा था तो उन और जो है तुब्बा के कौम के लोग भी झुटला चुके हैं यानी कि तुम पहले नहीं हैं जो है जो झुटलाने वाले हैं ये तमाम पहले की कौमों ने भी इसी तरीके से झुटलाया हर एक ने रसूलों को झुटलाया और आखिरकार यानी कि अब देखिए शुरू में बात हुई ना कि उन्होंने क्या बोले रसूलों को झुटलाने का वजह क्या बोले हमारे में से एक आदमी है जो उठकर अल्लाह की पैगाम दे रहा है और अल्लाह की तरफ बुला रहा है और आखिरत की जो है हमको न्यूज सुना रहा है तो लिहाजा हम ईमान तो अल्लाह ताला बोल रहे कि देखो पहले के कौमों ने भी ऐसे ही किया और आखिरकार मेरी वईद उन पर चिस्पा हो गई यानी कि जो मेरा डराबा था उनके ऊपर जो है वो चिस्पा हो गया क्या पहली बार की तखलीक से हम आजिज थे क्या पहली जो बार जब हमने पैदा किया है क्या हम वो चीज से जो है थक गए थे आजिज थे के मगर एक नई तकलीफ की तरफ से ये लोग शक में पड़े हुए हैं यानी कि अब देखिए कि इंसान जब दुनिया में अगर हम कोई काम करते हैं ना तो काम करने के बाद हम थक जाते हैं पर अल्लाह ताला जो है नहीं थकता अल्लाह ताला बोल रहे क्या, क्या तुम ताला को अपने इंसानों की तरह सिफत समझ रहे इंसान की जैसी सिफत होती है क्या वैसा समझ रहे हैं हमने इंसान को पैदा किया अब यहाँ से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा हमने इंसान को पैदा किया है और उसके दिल में उभरने वाले वसवसों तक को हम जानते हैं अल्लाह अकबर अब यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बोल रहे कि हमने इंसान को पैदा किया है और हम अल्लाह अल्लाह ताला बता रहे कि और हम इंसान के दिल में जो वसवसे भी जो पैदा होते हैं ना वसवसे किसको बोलते हैं वसवसा जो है एक सिर्फ एक फूक होती है एक सोच होती है जो इंसान का ख्याल होता है जो दिल में आता है कुछ अमल नहीं करा रहा जबान से कुछ नहीं बोला उन्हें सिर्फ एक ख्याल आता है उसके जहन में और वो भी अल्लाह ताला जान लेता है हमारे दिलों की सोच उसको भी अल्लाह ताला जान लेता है और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं व नहनु अक्रबु इलैही मिन हबलिल वरीद और हम इंसान के उसके रगे जान से भी जो है ज्यादा करीब है बिल्कुल उसके जो है रगे जान से ज्यादा क्या मतलब है रगे जान से ज्यादा जैसा जो हमारे जो रग है जो हमारी जो वेन है जिसके अंदर से हमारी जिंदगी की हरकत जो है समझ में आती है हम जिंदा है बल्कि अब आप देखिए डॉक्टर जब इंसान को चेक करता है तो क्या करता है उसके जो है गर्दन के पास जो है हाथ रखकर दो उंगलियां रखकर चेक करता है कि क्या ये इंसान जो है जिंदा है क्या इसके अंदर जो है जिंदगी बाकी है या फिर इसकी जिंदगी जो है खत्म हो गई तो अल, अ, 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 इस तरीके से जो है अ, अ, चेक किया जाता है तो वो क्या है एक जिंदगी यानी कि उसकी जिंदगी वो रक्त से रिलेटेड है ठीक है तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इंसान के इतने ज्यादा इतने ज्यादा जो है उससे भी ज्यादा अल्लाह ताला जो है करीब है और अल्लाह ताला को हर हर एक चीज जो है मालूम है और फिर क्या है कि हम अपने आप को खुद उतना नहीं जानते होंगे जितना अल्लाह ताला हमको जानता है जितना अल्लाह तला हमको जानता है तो अल्लाह तला बता रहे कि इंसान अब देखिए कि इंसान अगर ये तसवुर कर लेना कि अल्लाह तला मेरे वसवसों को भी जानता है अल्लाह तला मेरे दिल के जो है यानी कि मेरे मेरे से इतना ज्यादा करीब है तो फिर वहां पर देखिए कि एक तरफ इंसान के लिए ये डरावा है जिसके अंदर जो है उसको ये समझ में आ रहा इंसान को के अल्लाह ताला इतना ज्यादा करीब है तो फिर मेरे आमाल अल्लाह ताला देख रहे अगर मैं छुपके गुना करूंगा तो भी देखेंगे अल्लाह ताला जाहिर करूंगा तो भी देखेंगे हर चीज अल्लाह को मालूम है और दूसरा क्या है कि इंसान के लिए बशारत है कि देखो तुम सिर्फ अल्लाह ताला को दिल में याद करो दिल के अंदर भी जो कैफियत है तुम्हारी अल्लाह को मालूम है दिल ही दिल में दुआ करो दिल ही दिल में अल्लाह तला से जो है कर लो और अल्लाह सुनने वाला है और फिर आगे मजीद आता है कि और हमारे और इस बरा के अलावा वो आ, वो आ, दो कातिब इसके दाएं और बाएं बैठे हर चीज सबक कर रहे हैं क्या है इज यानी अनिली अनिल सॉरी अनिल व अनिल ईद के वहां पर जो है कईद क्या है कईद का मतलब क्या है जम के बैठे हुए हैं क्या है दो फरिश्ते क्या है जम के मुसलसिल ऐसा नहीं कि भाई बै, बैठे हुए हैं और फिर थोड़ी देर के वास्ते जो है यानी कि कुछ जरूरत पड़ गई दूसरी जगह चले गए अल्लाह तला का कोई दूसरा काम के लिए चले गए नहीं बल्कि अल्लाह तला ने उनको ऐसा मुक्र किया है कि वो जम कर जो है वहीं पर बैठे हुए हैं कहां पर हमारे सीधे और राइट और लेफ्ट साइड जो है हमारे यानी कि हमको अतराफ से घेरे हुए हैं और दूसरा क्या है कि यतलक्कल कल यानी जो भी चीज हम जो है अपनी अपना अमल करते हैं अपनी जबानों से निकालते हैं या एक्शन करते हैं या जो भी हम अमल करते हैं वो क्या कर रहे हैं सब कर रहे हैं सब का मतलब क्या है यानी कि पूरा जो है लिख ले रहे हैं उसको जो है आ, प्रिजर्व कर रहे हैं ठीक है उसको जो है अपने पास जो है प्रिजर्व कर ले रहे हैं वो पूरे अमल को हो सकता है कि जैसा ये नहीं है कि भाई इसने नमाज पढ़ी जरूरी नहीं है कि अल्लाह तला जो है ना ये लिखे कि इसने नमाज पढ़ी बल्कि अल्लाह के फरिश्ते जो है ऐसा हो सकता है कि कोई अल्लाह तला के पास जो सिस्टम है कि वो पूरी नमाज को कम्प्लीट एक जो है शक्ल में लेकर उसको जो है प्रिजर्व किया जा रहा है कि नमाज को जो है एक सैंपल के तौर पर जैसा होता है ना कि प्रिजर्व जैसा करते हैं ना अलग अलग सैंपल्स जो है तो नमाज की पूरे हमारी पूरी एक नमाज जोहर की नमाज पूरा एज अ सैंपल जू का तू उसको प्रिजर्व कर लिया गया ठीक है अब उसके अंदर क्या क्या आ गया हमारी नीयत आ गई हमारी जो है सोच आ गई हमारा खुशबू आ गया हमारा जो है अल्लाह ताला से ताल्लुक आ गया हमारी नमाज के एक्शन आ गए हमारे जो है दुआ आ गई उसके अंदर जो सुन्नतें हम उसके अंदर इजाफा करें पूरा ए टू जेड जैसा का वैसा कम्पलीट सांपल प्रिजर्व हो गया ठीक है तो अब उसके अंदर क्या है कि अब अब जैसा फॉर एग्जाम्पल अगर फरिश्ता ये लिख लेता कि हाँ नमाज पढ़े ये नहीं है ना सिर्फ नमाज पढ़े नहीं है ना नमाज कैसी अदा हुई सुन्नत के मुताबिक थी क्या नहीं नमाज के अंदर कितनी देर तक खुशू नमाज के अंदर था और कितनी देर तक खुशू जो है नमाज के बाहर था कहा पर सोच ही चली गई थी फिर पलट कर कैसा सोच वापस आई फिर झटक कर किस तरीके से अपने आप को अल्लाह की तरफ लगाए किस तरीके से अल्लाह तला को अपने सामने तस्वुर करे और अल्लाह तला से जो है किस दिल की जो है कैफियत के साथ जो है नमाज अदा हुई ये पूरा पूरा प्रिजर्व होगा पूरा प्रिजर्व होगा उसी तरीके से रोजा अब सिर्फ फरिश्ता ये नहीं लिखेंगे रोजा रखे थे एक दिन रखे दो दिन रखे तीसरे दिन का भी हो गया टिक 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 मार्क नहीं बल्कि रोजे की कैफियत कैसी थी उसमें इबादतें कितने करे उसमें किस तरीके से अपने आप को गुनाहों से बेहयाई से बचाए और कितना जो है अपने तखवे के ऊपर वर्क किया गया कितना उस अपने अंदर जो है अल्लाह ताला से ताल्लुक को जोड़ने की कोशिश की गई ये सारी चीजें जो है पूरी का पूरा कंप्लीट वो उसको जो है एक सैंपल के तौर पर लेकर प्रिजर्व किया जाएगा हर चीज जो है अंदर जो है एब्जॉर्व हमारे जो नामे अमल में है वो तमाम चीजें जो है इस तरीके से प्रिजर्व होंगी कि हर चीज जो है उसमें एबजॉर्व कर दी जाएगी उसके अंदर जो है सबक कर दी जाएगी फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला यहां पर आगे बताते हैं कि हर चीज जो है सबक कर रहे सबत कर रहे हैं कोई आ, आ, कोई लफ्ज इस इस इन इसकी जबान से नहीं निकलता जिसे महफूज करने के लिए एक हाजिर बाश निगरान मौजूद ना हो अब दूसरी बात और बहुत ही अहम बात कि क्या है कि मा यल्फुजु मिन कौलिन इल्ला लदईही रक़ीबुन अतीद कि कोई ज़बान से एक लफ्ज उसके नहीं निकलता कि एक हाजिरबाज फरिश्ता फौरी उसको लिख लेता है अच्छी बात है फौरी लिख लिया बुरी बात है फौरी लिख लिया अब हम क्या समझते हैं कि सिर्फ हमारे जो है नेकियां लिखी जा रही हैं हमारे गुनाह लिखे जा रहे हैं नहीं बल्कि आपकी زبان का हर एक लफ्ज लिखा जा रहा आप बेकार बातें करे लिखा गया नेकी की बातें करे लिखा गया जिक्र करे लिखा गया गाली गलोच करे लिखा गया ताने करेबत करे जो भी आप अपनी जबानों से अब देखिए प्रीवियस में हम लोग इसके बारे में डिटेल पढ़े ना तो वो तमाम जो आमाल है वो पूरे के पूरे लिखे जाएंगे एक एक सेंटेंस बाय सेंटेंस वर्ड बाय वर्ड जो है हमारे इवन उसके अंदर कैसा रहेगा सिर्फ वर्ड्स नहीं रहेंगे बल्कि हमारा अंदाज भी लिखा जाएगा हमारा जो अंदाज में हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा अंदाज भी जो है प्रिजर्व किया जाएगा तो सोच के देखिए कि क्यामत के दिन हम जो यानी कि हमारे हम औरतों की जो है जबाने कितनी टर 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 चर 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 हमारी जो चलती है पता नहीं क्यामत के दिन हमारी जबाने क्या क्या बोली हुई है और हम कितनी चीजें बातें कर रहे हैं और हर एक बात क्यामत के दिन लिखी जाएगी तो अब आप देखिए कि क्या क्या लिखे जाएगा हमारी बात में लिखा कितनी मोहब्बत से बात करें बच्चों से कैसी शफकत से बात करें आपस में एक दूसरे से कैसी इज्जत और एहतराम से बड़ों से बात करें और जो है अपने शोहर के साथ हमारा जो है बात कैसी थी हमारा अंदाज कैसा था कितना हम जो है लाड़ से मोहब्बत से अपनी जो है मोहब्बत का इजहार करते हुए बात करें या फिर क्या है शिकायतें करें या फिर जो है कोई टॉन्ट करे तकलीफ देने वाली बातें करे ये हर चीज और फिर बच्चों की तरबियत में हमने क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किया क्या उन लोगों को जो है यानी कि लान तान करके जो है तरबियत करें या फिर अच्छे और मोहब्बत से प्यार से उल्फत के अंदाज में हम उनकी जो है तरबियत करें अगर हम जिस तरीके से ना कोई गरीब आ जाता है कोई फकीर हमारे दर पर आ जाता है क्या बोलते हैं अरे जाओ जी हटो यहाँ से जाओ जाओ आगे जाओ आगे बढ़ो नहीं, नहीं 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 देते हम क्या है तमाशा लगा के रखे क्या है धंधा बना के रखे सब लिखा जा रहा हर एक बात हमारी लिखी जा रही अब हम ये देखना है कि अल्लाह अकबर खयामत के दिन जो है जब अल्लाह ताला के सामने जब हम हाजिर होंगे और फरिश्ता हमारे नाम से पड़ेंगे और अल्लाह ताला जो है सारी दुनिया के सामने सारी लोगों के सामने हमारे नबियों के सामने हमारे जो है इकराम के सामने जब ये बात पढ़ी जाएगी कि फकीरों को ऐसा धुकारते थे गरीबों से ऐसी बात करते थे आपस में जो है बड़ों से वाले से जो है इस तरीके से झड़क झड़क के वालदेन से बात किया जाता था ऐसे जो है आपस में एक दूसरे से लड़ा जाता था आपस में एक दूसरे की जो है इस तरीके से जो है टांग खींची जाती थी एक दूसरे की जो है लान तीबत और, और जो है चुगलियां खाई जाती थी और वो सब पड़ा जाएंगा कि हाँ फला दिन फला शख्स ने ऐसा ऐसा कहकर इनको जो है झिड़का तो ये सोच के देखिए कि क्यामत के दिन जब ऐसा होगा तो हमारे हमारे हमारी कैफियत क्या रहेंगी हमार हम कितना शर्मिंदा होंगे अल्लाह के सामने शर्मिंदगी अम्बिया के सामने शर्मिंदगी हमारे प्यारे हबीब रसूल सल्ला और साहबा इकराम और हमारी तमाम लोगों के सामने शर्मिंदगी आप देखिए कि बाज वक़्त ऐसा होता ना कि कभी ये करके देखिए कि हम जब बात करते रहते ना अगर वो हम खैर हम कर तो नहीं सकते पर बाज़ वक़्त ऐसा होता ना कि हम बात करते रहते कोई बच्चे जो है कोई रिकॉर्ड ऑन कर देते ये कैमरा और कुछ तभी तो रिकॉर्डिंग उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग कर लेते रहते उसके बाद जो है ना वो रिकॉर्डिंग में हम अपनी आवाज़ सुनने के काबिल रहते अल्लाह अकबर तो अबास इतनी खतरनाक और इतनी भयानक दिखता हमारा अंदाज हमारी बातें हमारे अल्फाज हमारा तरीका हमारा लब व लहजा हर चीज कितनी बुरी लगती है ना हमको हमको खुद सुनने में जो है शर्म आती है हमको खुद सुनने में जो है गंदा महसूस होता है तो क्यामत के दिन सबके सामने जब वो हमारी बातें जो है सुनाई जाएगी तो सोच के देखिए कि फिर वो टाइम पर हमारी क्या कैफियत होगी क्या शर्मिंदगी होगी अल्लाह के सामने और फिर उसके बाद फिर हर एक का फिर सवाल भी किया जाएगा लिखा रहे क्यों अल्लाह तला क्यों लिख रहे रिकॉर्ड क्यों रख रहे याद यादगार के लिए रख रहे जैसे हम फोटोआ रख लेते ना नहीं 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 जरा यादगार रहता रहने दो हम रख लेंगे तो क्या यादगार के लिए इस तरीके से रखा जा रहा नहीं बल्कि अल्लाह तला उसको जो है अकाउंट के लिए रख रहे हैं कि तुम्हारी ख्यामत के दिन फिर इससे होगी इससे पूछा जाएगा कि तुम ये जो है अंदाज में जब तुम अपने वाले से बात कर रहे थे तो क्या बिना पर तुमने ये लेबो ले इस्तेमाल किया अब तुम्हारे पास जो है इसका क्या एक्सक्यूज है अब तुम किस तरीके से अपने आप को जहानुम से बचाने के लिए जो है तैयार करोगे तो अब यहाँ पर ख्यामत के दिन फिर हर एक सवाल किया जाएगा हर एक का, हर एक एक लफ्ज का बात का इसीलिए क्या हुक्म है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खामोश रहा वो न पाया अल्लाह हमको इसकी तोफी फरमा दे कि बेकार बातों से बचने वाला बना दे क्या है कि खामोशी बेकार बातों से बेहतर और अच्छी बात खामोशी से बेहतर क्या है बेकार बातें करने से बेहतर है आप खामोश रह जाओ पर क्या है कि अगर आप अच्छी बात कर सकते अच्छी नसीहत कर सकते किसी की दिलजोई कर सकते किसी की जो है आप दिल बहला सकते तो फिर वो अच्छी बात जो है खामोशी से बेहतर है वो करो आप ताकि आपके नाम अमाल में जो है इजाफा हो अगर आप खामोश रहेंगे तो क्या कर रहे हैं आप अपने नाम अमाल में गुनाहों को बचा रहे गुनाह लिखने से बच रहे आपके नाम अमाल में पर अगर आप अच्छी बात करेंगे तो आपके नाम अमल में नहीं क्या लिखी जाएगी ऐसा जो है माज रजत को जो है बिन जबल रज को आप सल्ला ने फरमाया ना कि मास तेरी माँ तुझे गुम करे क्या जबान की कटाई के अलावा भी कोई और चीज है जो जहन्नुम में इंसान को मुंह के बल घसीट कर मुंह के बल जो है जहनुम में गिराएगी यानी कि इंसान की जबान का गलत इस्तेमाल इंसान को जहन्नुम में मुंह के बल गिराने का सबब बनता है तो ये जो जबान हम बहुत ही आसानी से इस्तेमाल जो करते हैं क्यामत के दिन हमारे लिए क्या है जहनों में जाने का सब्ब बनेगा और फिर जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर एक शख्स ने पूछा ना कि अल्लाह के रसूल एक ऐसी नसीहत करिए उसके बाद फिर नसीहत की जरूरत नहीं पड़ना एक बात बता दीजिए आप तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जबान जबान की हिफाजत और एक एक शख्स आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा आ, आ, बोला कि अल्लाह के रसूल के जो है सबसे अच्छी चीज सबसे अच्छी चीज क्या है जिसके जिसके ऊपर यानी कि जिसको इस्तेमाल करके मैं जो है नैके हासिल कर सकता हूँ तो आप सल्म बोले यानी कि जबान से इंसान जिक्र करता है तालीमात जो है फैलाता है अच्छी बातें करता है किसी की जो है यानी कि तसल्ली देता है ये क्या है जबान से आप जो है जन्नत भी कमा सकते हैं और जबान से जो है आप जहन्नुम भी कमा सकते हैं उसकी बुरी इस्तेमाल से, से जहन्नुम भी तो अब देखिए कि अब हम जब भी कोई बात हम कर रहे हैं तो हम ये सोचना है कि एक फरिश्ता यहाँ पर जो है मेरे पास बैठा हुआ है जो मेरी हर एक लफ्ज और बाय जो है वो लिख ले रहा है पूरे पूरा चीज जो है रिकॉर्ड हो रही है फिर उसके बाद अल्लाह आगे फरमाते हैं कि फिर देखो वो मौत की जान जा, जानकनी हक लेकर आ गई वो आ, हक लेकर आ पहुंची मौत की जानकनी वजाअुल सक्रतुल मोती बिलहक कि सकरतुल मौत जो मौत की जो खशिया होती है जो मौत की जो यानी कि तारीखियाँ होती हैं वो क्या है हक लेकर आई अब जो तुम अब इसका क्या मतलब है जो तुम जो है आखिरत का इनकार कर रहे ना जो आखिरत का तुम इनकार करे कैसा मर के जो है दोबारा उठाए जाएंगे जिसका तुम इनकार कर रहे अब देखो जब तुम्हारी मौत तुम्हारे ऊपर घायल होगी तो तुम्हारे को पूरे का पूरा समझ में आना शुरू हो जाएगा हक लेकर आ गई क्या हक है कि मरकर दोबारा जिंदा होना है वो मौत आते सात ही समझ में आ जाएगा क्यों क्योंकि क्या होता है कि इंसान जब मरता है तो यहाँ पर दुनिया के हिसाब से वो मर रहा दुनिया के हिसाब से उसकी आंखें बंद हो रही पर आखिरत के हिसाब से उसकी अब आंखें खुल रही आखिरत के हिसाब से उसकी आंखें खुल रही और उसको वो वो चीजें नजर आ रही जो अब तक नहीं नजर आती थी उसको फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे उसको आखिरत के जो है तमाम मरहले नजर आना शुरू हो जाएंगे अब उसकी आंखें खुल रही इसीलिए बताया जाता ना कि इंसान जो है एक्चुअली फिल वक्त मरे हुए हैं और वो उठेंगे कब वो जिंदा कब होंगे असल में होश में कब आएंगे या असल उसकी जिंदगी कब शुरू शुरूंगी जब उसकी मौत आएंगी तो वहां से उसकी फिर क्या है फॉर एवर की असल जो है जिंदगी शुरू शुरूगी ये वही चीज है जिससे तुमको जिससे तू भागता था यानी कि मौत और आखिरत की जो यानी कि फिर से जो है उठना है आ, बासल बादल मौत उससे तुम भागते थे फिर उसके बाद ये तो क्या है तुम्हारी पर्सनल मौत है यानी कि हर एक इंडिविजुअल की मौत है पर एक जो है क्या है पूरा पूरी दुनिया की मौत हो जाएंगी और वो क्या है जब फिर जब सूर में फूका जाएगा सूर में क्या है फूक जब मार दी जाएगी तब जो है आ, क्या होगा कि इंसान इनसा, इंसान पूरी दुनिया जो है खत्म हो जाएगी ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था क्या है ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था अब यहाँ पर देखिए कि ये जो सूरा है अब इसके अंदर हम देख रहे हैं ना कैसी कैसी खतरनाक आयतें हैं और भी खतरनाक आयतें आगे आने वाली है सूर के बारे में आखिरत के बारे में मरकर उठने के बारे में नाम आमाल के बारे में तो अल्लाह आप सल्लाम की जो है ये वन ऑफ दी फेवरेट सूरत थी फजीलत इसकी हम अगर देखेंगे, खौफ की अगर हम देखेंगे तो ये खौफ आप बार बार अपनी उम्मत को याद दिलाते बार बार अपनी उम्मत को क्या करते थे आप वसल्लम ये सूर्य से जो है याद दिलाते थे कैसा जैसा जो है हदीस में आग, आता है कि आप वसल्लम के बारे में पूछा गया कि आ, उमर रजू की रिवायत आती है कि हजरत उमर जो है पूछे, आ, के आ, वक्द, आ, आ, पूछे के कि अबू वक्त वक्त रजत से पूछे कि रसूल सल असन नमाज ईदन में क्या पढ़ते थे यानी कि आप सल असम जो है ईद की नमाज में क्या पढ़ते थे तो उन्होंने फरमाए उन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लाफ यानी कि अख्तरबिस कमर ये वाली सूरत और फिर जो है और सॉरी सुर खौफ ये जो फिलवकत है और फिर जो है खाफ वलखरान मजीद और फिर दूसरा जो है अख्तरबतिस मतलब क्या है सुर कमर ये दो सूरतें जो है आप पढ़ा करते थे तो यहाँ पर क्या है कि सुरख्वाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद में पढ़ा करते थे अगर हम दूसरी फजीलत हम देखेंगे तो सुरख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जुम्मा के ख़ुतबे में पढ़ते थे जुम्मा के खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीम सुरख पढ़ते थे जैसा इमाम अहमद रज रमत ने उम्मे हशाम बिन हारिसा रज से रिवायत किया है कि दो साल या एक साल और कुछ अरसा यानी कि दो साल या तकरीबन जो है एक साल और कुछ अरसे तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ये सहाबिया पड़ोसी रही ठीक है और बताती हैं कि आपका और हमारा जो तन्ूर था यानी कि जिसमें रोटियां बनाई जाती थी वो एक ही था कॉमन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तन्नूर था तो फिर वो फरमाती हैं कि मैंने सुरे खौफ को रसूल वसल्लम की जुबानी सुन सुन कर याद कर लिया था आप वसल्लम लोगों को इरशाद फरमाते हुए मिंबर पर इस मुबारक की तिलावत फरमाया करते थे तो ये सही मुस्लिम की हदीस है तो इसमें क्या आता है कि ये जो साहबिया है क्या नाम है उनका उम्मे हशाम बिनते हारिसा हारिस जो थे सहाबी हारिश ये साहबी की जो है ये बेटी थी तो इनके बारे में आता है कि ये सूर्य खाफ को कैसा याद कर लिए आप से ले जो जुम्मा में कसरत से इसको पढ़ते थे तो वो आपसे सुन सुन कर जो है सूर्य को याद कर लिए तो अब आप इमेजिन करिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ते थे और एक एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सिमिलर ये भी जो है जुमे की हदीस के बारे में उन्हीं की रिवायत है पर अलग जो है तुर्क से मौजूद है कि उन ये फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर खुतबे में इसकी तिलावत फरमाया करते थे और जो है इसको सुन सुनकर जो है आपने इसको याद कर लिया फ़जर की नमाज में भी आता है कि आप सल्ला सूर्य खुफ की तिलावत करते थे हजरत जाबिर बिन समरा रजा तैन से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर में सूर्य खाफ ठीक है ये जो शुरे खाफ वाल मजीद जो है ए, ए, इसकी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करते थे या इससे जो सिमिलर सुरा है यानी कि ये लेंथ का जो सिमिलर सुरा है उसकी तिलावत करते थे इसको भी सही मुस्लिम ने रिवाज किया है तो इससे हमको एक चीज ये समझ में आती है कि आप फजर में पढ़ते थे तो ये आपको कितना ज्यादा क्लोज था कि आप इसको जो है कसरत से अपने आप को रिमाइंड करते थे इसके जरिए से और लोगों को रिमाइंड करते थे दूसरा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदिन में और जुमा के दिन जहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा मजमु होता है मुसलमानों का बहुत ज्यादा बड़ा मजमु होता है उसमें आप सल्लह ये तिलावत करते थे यानी कि इसके जरिए से लोगों को आप सल्ला याद दिलाते थे रिमाइंड कराते थे अब देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सुरा है हमारे लिए भी जो है बहुत बड़ा रिमाइंडर है जिसके अंदर हमारी जो है मौत के बारे में भी बताया जा रहा और फिर क्या है सूर के बारे में बताया जा रहा और मरने के बाद हमारे नाम अमल की पेशी कैसा होंगी बताया जा रहा और वो पेशी होने के लिए पहले से तैयारी हो रही कि यहीं से फरिश्ते हैं लिख ले रहे तो फिर आयत नंबर ट्वेंटी में देखिए फिर सूर फूका गया ये है वो दिन जिसका तुझे खौफ दिलाया जाता था हर शख्स इस हाल में आ गया कि उसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाही देने वाला मौजूद है एक क्या है कि वजह व शहीद कि एक आंकने वाला है यानी कि एक जो फरिश्ता है अब बताया जाता है कि ये वही दो फरिश्ते हैं जो हमारे नाम आमल लिखते हैं कि रामन कातिबीन जो थे वही ये रहेंगे जो एक क्या करेंगे इंसान क्योंकि जाना नहीं चाहेंगे ना अल्लाह के पास हसन के मैदान में वो खबरों से जब उठेंगे तो वो जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि उसको मालूम है कि अभी तो खबर में तो खबर में ही ऑलरेडी इतना खतरनाक अजाब दिया जा रहा था गुर्ज मारा जा रहा था हथोड़े मारे जा रहे थे और खबर को ऐसा जो है तंग किया जा रहा था अब क्या होगा बल्कि वो जाना नहीं चाहेंगे तो फरिश्ते क्या करेंगे उसको ढकेल ढकेल कर हा खाक कर जो है उसको लेके जाएंगे और दूसरे फरिश्ते के हाथ में क्या रहेगा उसकी गवाही देने के लिए जो है वो एज अ गवाह जो है वहां पर रहेंगे और उसके हाथ में इंसान के नाम आमाल रहेंगे इस चीज की तरफ से तू गफलत में था ये जो मरकर उठना है इसके बारे में तू गफलत में था हमने वो पर्दा हटा दिया यानी कि तेरी आ, तेरे आगे जो, जो तेरे आगे पड़ा हुआ था और आज तेरी निगाह खूब तेज है अल्लाह ये आयत कितनी खतरनाक है देखिए कि आज हमारी निगाह इतनी तेज है कि बहुत दूर दूर का भी जो है आज नजर आ रहा फरिश्ते नजर आ रहे सब जो छुपे हुए थे हर चीज हम हमारे नजर आ रही हिसाब किताब का मैदान नजर आ रहा और फिर तमाम लोगों के परेशानी हालात जो है नजर आ रहे और फिर जिसके बारे में हम जो है ये हम हमारे गुमान नहीं था कि मरकर हशर में उठेंगे पूरे टिड्डियों की तरह जो है चल मैदान में जाते रहेंगे तो वो उसको भुला बैठे हुए थे और अमल ऐसी जिंदगी में गुजारे थे जैसा मरना ही नहीं है जैसा उठना ही नहीं है तो अब यहाँ पर अल्लाह तला बोले आज सब नजर आ रहा नहीं तुम को हर चीज नजर आ रही उसके साथी ने अर्ज किया ये जो मेरे सुबृगी में था हाजिर है हुक्म दिया गया फेंक दो में हर कट्टे काफिर को जो हक से इनाद रखता था खैर को रोकने वाला था और हद से तजावज करने वाला था और शक में पड़ा हुआ था और अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को खुदा बनाए बैठा था किसी दूसरे को खुदा खुदा बना बैठा था डाल से सख्त अजाब में क्या है डाल दो से सख्त अजाब में अल्लाहफिना कि अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए तब यहाँ पर कि उसका जो साथी है करीन है वो अब यहाँ पर रिवायतों में आता है कि करीन से मुराद जो आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में है करीन से मुराद जो है या तो फरिश्ता है जो शहीद के तौर पे उसके साथ था किरामन कातिबीन तो या तो वो फरिश्ता है वो बोलेगा कि अल्लाह ताला ये देखिए आप इसकी मेरे को दिए थे ना हर चीज लिखो करो बल्कि दिए थे ना अब ये देखो मैं सब लेकर ले आया अब ये 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 जो है ये है इंसान और जिसकी मुझे जिम्मेदारी दी गई थी और ये इसका नाम है है अमल अब ये आपकी अदालत में पेश जो है हाजिर है अब आप इसके साथ जो भी मामला करना है कर लीजिए फिर अल्लाह हुक्म देंगे की में उसको फेंक दो अब दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि खरीन से मुराद जो है इबलीस है शैतान है जिसके जो दुनिया में इंसान को जो है बहकाने के लिए जो है जिम्मेदार था वो हमेशा उसके साथ था उसकी पूरी जिंदगी साथ था हर मुमकिन कोशिश करा बहकाने की कोशिश करा और उन्हें कामयाब हो गया अब अल्लाह तला को बोलेंगे अल्लाह तला मैं जो चैलेंज करा था ना कि मैं आदम की औलाद को बहकाऊंगा ये देखिए मैं बहका कर लेकर आया अब आप इसका फैसला कर दो क्योंकि इन्हें मेरी बात सुन लिया और अपने आप को जहन्न का मुस्तक बना लिया तो अब अल्लाह तला बोलेंगे कि हुक्म होगा कि जहनुम में उसको फेंक दो अब यहाँ पर देखिए कि एक तो ये चीज हो गई कि खयामत के दिन जो है इंसान और इंसान के नाम अमल दोनों हाजिर होंगे और उसके हिसाब से अल्लाह तला फैसला करेगा दूसरा यहाँ पर यह है कि अगर हम आयत नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी सिक्स में देखेंगे तो जहनमियों की सिफत यहाँ पर बताई गई है जो जहनम में जाने वाले हैं वैसे लोगों की सिफत बताई गई है पहली सिफत क्या है हर कट्टे काफिर को यानी कि सख्त तो जो काफिर है अब काफिर का मतलब दो दो माने में आता ना एक तो जो इनकार करने वाला है दूसरा जो नाशुकुरी करने वाला है तो ये दोनों भी इसका मतलब निकलते हैं हर कट्टे काफिर का मतलब क्या है कफ्फारिन अनीद का मतलब क्या है कि एक जो सख्त नाशुकर है यानी कि अल्लाह ताला की जिंदगी में अल्लाह ताला की दीवी हर नेमत इस्तेमाल कर लिया आंख नाक कान जिंदगी पैसा माल दौलत सेहत वक्त सब इस्तेमाल कर लिया अल्लाह ताला की दुनिया इस्तेमाल कर लिया जमीन आसमान पहाड़ पानी और नबाता हर चीज इस्तेमाल कर लिया और जो शुक्र करके उसके सामने झुकना था वो नहीं झुका वो नहीं झुका अपनी मनमानी की जिंदगी गुजार लिया तो ये क्या है सख्त नाशुक्रा है और हक उसके सामने आने के बाद इनकार कर दिया कर दिया वो सख्त मुनकर है तो हर कट्टे का फिर कफारिन अन पहली क्वालिटी है हर कट्टे का फिर दूसरा मन खैरी के जो है उन्हें क्या करता था कि खैर से लोगों को रोकने वाला था और फिर क्या है कि खैर से खैर का मतलब क्या है एक तो खैर यूजुअली कुरान के अंदर माल का मतलब निकलता है और दूसरा खैर का मतलब भलाई का भी निकलता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुद भी अपना माल खर्च करने से जो है खुद भी रुकता था लोगों को भी रुकता था और भलाई से खुद भी रुकता था और लोगों को भी भलाई से रोकता था और तीसरा क्या है तीसरी क्वालिटी मुर्तदीन मुरीब क्या है तीसरी क्वालिटी मोतद मोदद मुटद क्या है कि हद से तजावीज करने वाला अल्लाह की लिमिट जो होती है अल्लाह तला ने जो लिमिट रखी है उसको तजावीज उसको क्रॉस करके जिंदगी गुजारने वाला था माल जो है हराम तरीके से समेटता था और हराम तरीके से उसको खर्च करके अपनी जिंदगी गुजारता था हर जुलम और ज्यादा के हर जो है काम करता था जो अल्लाह तला लिमिट्स रखे हुकूक और हुकूक इबाद की वो लिमिट्स को क्रॉस करता था तो ये मौतद है और चौथा क्या है मुरीम मुरीब का मतलब क्या है कि शक में पढ़ने वाला और लोगों के दिलों में शक को शुबात को डालने वाला मुरीब रैब से है रैब का मतलब क्या है शुरू आए थे ना लारोई बफी ही मुताकिन के रैब का मतलब क्या है शक और ऐसा शक जो इंसान को जो है इसतराब भी कैफियत में मुबतला कर दे यानी कि बेचैनी में मुब्तला कर दे तो खुद भी जो है बेचैन रहता था अल्लाह अल्लाह के रसूल आखिरत के बारे में और तमाम तालीमत के बारे में और दूसरों के दिलों में भी ऐसे ऐसे बातें डालता था कि लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे उसकी बातें सुनकर तो फिर अल्लाह तला बता रहे की ये उसकी क्वालिटी से फिर फिर उसके बाद क्या है पांचवी क्वालिटीज के अल्लाह पांचवी क्वालिटी की अल्लाह तला के साथ जो है अपने नफ्स को अपने आबावा अजदाद को सोसाइटी के हर चीजों को या फिर जो है अपने गलत महबूदों को जो है अल्लाह तला के साथ शरीक करता था अब ये इसकी बिना पर अल्लाह तला बोले कि उसको सख्त अजाब में, अजाब शदीद, अजाब शदीद में जो है उसको मुब्तला कर दो फिर उसके बाद अब देखिये आगे आता है उसके साथी ने अर्ज किया खुदावंद इसको, इसको नहीं बनाया जो शैतान है उन्हें बोलेंगे अब देखिये करीन से मुराद फिर हम दोनों भी लेंगे एक तो आयत नंबर ट्वेंटी थ्री में करीन का वर्ड आया फिर आयत नंबर जो है ट्वेंटी सेवन में फिर करीन का वर्ड आ रहा तो अब यहाँ पर करीन पहले अगर हम देखेंगे फरिश्ता मतलब है तो फरिश्ता ये बोलेंगे कि अल्लाह ताला मैं अपनी मर्जी से उसके नाम अमल में कोई चीज का इजाफा नहीं करा मैं अपनी मर्जी से नहीं करा मैं अपनी मर्जी से नहीं लिखा मैं उसको सरकश नहीं बनाया उन्हें खुद बना और दूसरा अगर इसका मतलब करीन का मतलब शैतान है तो शैतान बोलेंगा कि अल्लाह उसको नहीं बहकाया उन्हें खुद बहकने वालों में से था उन्हें खुद गलत काम करा मेरे को इल्जाम ना खुद आ झगड़ा पर, ना करो मैं तुमको पहले ही अंजाम बद से खबरदार कर चुका था मेरे यहाँ बात पलटी नहीं जाती ला अमला अन्ना जहन्नमा मिनल जिन्नती वन्नासी से ये अल्लाह की बात है क्या है कि मैं जरूर बरूर जहन्नम को जिन और इंसान से भर दूंगा जो भी अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो अल्लाह की ये बात क्या है अब पलटी नहीं जाएगी अल्लाह ताला ऑलरेडी फैसला कर चुके हैं या फिर ये बात नहीं पलटी जाएगी से मुराद क्या है आयत नंबर जो है 24 में जो अल्लाह तला दोस्तों जहन्नुम उसको जहन्नुम में।, में तो अब बाद में लड़ रहे तो अल्लाह तला बोले नहीं खत्म मैं एक बार फैसला कर दिया जहनुमुम में डाल दो क्योंकि अल्लाह को मालूम है अल्लाह को एक्चुअली नाम अमल की जरूरत नहीं है किसी फरिश्ते की गवाही की जरूरत नहीं है ना वो इंसान के जिसम की गवाही की जरूरत है अल्लाह को तो सब मालूम है तो अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहे कि मेरे को सब मालूम है उसके हिसाब से मैंने फैसला कर दिया अब वो मेरी बात जो है बदली नहीं जाती और मैं अपने बंदों पर जुल्म तोड़ने वाला नहीं हूँ वो दिन वो दिन जबकि हम जहन्नुम से पूछेंगे क्या तू भर गई वो कहेगी क्या और कुछ बाकी है और मजीद बाकी है जैसा हम जानते हैं ना अल्लाह अकबर कि जहन्नुम में जैसा आता है कि जहनु में एक हजार में से एक इंसान जो है जन्नत में जाएगा 999 लोग जहनुम में जाएंगे उसके बावजूद भी ऐसा 99 99 नाइनटी के ऐसे कई ग्रुप्स रहेंगे जो जहनुम में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे पूरे लोगों को जब जहनु में डाल दिया जाएगा उसके बाद अल्लाह तला जहनुम से पूछेंगे क्या तू भर गई क्या कंप्लीट हो गई क्या फुल हो गई तो वो बोलेंगे वो बोलेगी जवाब देगी क्या और बाकी है अब देखिए एक तो इससे क्या समझ में आता है कि जहनुम का कलाम क्यामत के दिन जहानुम कैसा हम क्या इमेजिन करते जहानुम जैसा एक एक घर है ठीक है जैसा घर ला ला यानी के नॉन लिविंग थिंग है बात नहीं करता यानी कि कोई भी जो है इस तरीके का एक कंटेनर है एक बैरल है ठीक है एक आग का तनूर है जो बात नहीं करता पर जहनुम कैसी है एक जो है जीती जागती है वो बात करेगी वो कलाम करेगी उसको गुस्सा आएगा वो जो है बदला लेगी अल्लाह तला के जो है नाफरमानी का गुस्से का इजहार करेगी हर चीज यानी कि जहनुम एक लाइवली चीज है एक जो है डेड चीज नहीं है नॉन लिविंग नहीं है बल्कि एक लाइव चीज है दूसरा जो है अब वो इतनी डीप और इतनी वास्ट और इतनी फैली हुई और उसका अर्ज यानी कि उसकी जो वृद्ध है वो इतनी फैली हुई है और डेप्थ इतना ज्यादा है कि इतने हजारों लोगों को डालने के बावजूद भी वो बोलेगी नहीं अल्लाह तला अभी जगह है और अगर है तो डालो और फिर जो है कुछ रिवायतों में आता है कि फिर अल्लाह तला क्या करेंगे अपना पैर जो है जहनम में डाल देंगे और फिर उसके बाद वो जो है जब भरेगी तो अब यहाँ पर अब इसकी देखिए कि ये भी गैब के इल्म में से आता है यानी कि वो कैसी कैफियत रहेंगी कैसा पैर अल्लाह ताला डालेंगे क्या वो रहेगा वो हमको नहीं मालूम बस अल्लाह आप सल्ला बता दिए उसके ऊपर हम आपको ईमान लेकर आना है तो फिर यहाँ पर क्या बोलेगी जहानो क्या और मजीद बाकी है और जन्नत मुत्तकी के करीब ले आई जाएगी जन्नत क्या होगी मुत्ती के करीब जन्नत लेकर आई जाएगी वह उजली फतिल जन्नतना गैर बीज जनी भी दूर नहीं रहेगी खरीब लेकर आई जाएगी और कुछ भी दूर नहीं होगी होगा यह है वो चीज जिसका तुमसे वादा किया जाता था हर उस शख्स के लिए बहु... हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुझू करने वाला अब यहाँ पर क्वालिटीज नोट करिए क्वालिटीज नोट करना है क्या क्या है जन्नती की या मुख्यम की क्वालिटीज क्या है कि जन्नत क्या है अल्लाह ताला क्या बता रहे कि ये वादा था हर उस शख्स के लिए जो बहुत रुझू करने वाला अवाब पहली चीज अव्वा बहुत रुजू करने वाला दूसरी चीज और बड़ी निगहदाश करने वाला यानी कि हफीज हिफाजत करने वाला तीसरी चीज मन खशिया रहमान बिल गईब अपने रब को अपने रहमान जो रब था हालांकि वो बहुत रहमान था पर उसके बावजूद भी उससे डरता था अब देखिए डर किससे डरते किससे हम लोग जो जालिम है जो जाबिर है जो जुल्म करता है ज्यादती करता है पर हमको ये मालूम है कि हमारा जो रब है वो रहमान है हमारा जो रब है वो रहमान है पर उसके बावजूद भी उससे डरते हैं उसकी ताकि वो नाराज ना हो जाए ऐसा होता ना कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो कि, किस लिए डरते हैं कि वो नाराज ना हो जाए इसीलिए उससे डरते हुए काम करते हैं वो रहमान से डरता है और फिर क्या है कि वो दिल गिरविदा लिए हुए आए हैं है वजहाल मुनीब आ, मुनीब जो है दिल लेकर आया है तो उसको क्या हुक्म होगा कि उद खलूफ उद भी सलाम के दाखिल हो जाओ सलामती के साथ वो दिन हयात अब्दी का दिन होगा यानी कि वहां पर हमेशा हमेशा उनको जो है वहां पर रहना है वहाँ इनके लिए वहां इनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे और हमारे पास है हमारे पास है इससे ज्यादा भी बहुत कुछ इनके लिए होगा यानी कि बहुत कुछ का क्या मतलब है ऐसी चीजें हैं जो इंसान ना सोचा ना इमेजिन करा ना तस्वुर करा और, मिम, और मजीद चीजें अल्लाह तला अदा करेंगे और इसमें जो है मजीद में ये भी आता है कि अल्लाह है हैमत के दिन बोलेंगे क्या सब नेमतें मिल गए क्या खुश है आप लोग तो जन्नती बोलेंगे कि हाँ अल्लाह ताला हम तो बहुत खुश है हमारे तो सब चीजा मिल गए अल्लाह ताला बोलेंगे और मैं अता करूंगा और वो क्या है मेरी रजा आज मैं तुमसे राजी हो गया उसके बाद मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूंगा तो अल्लाह ताला अपनी रजा का परवाना हमारे लिए जारी कर देंगे और फिर अल्लाह ताला जो है अल्लाह हमको इनमें नसीब करे हमको इसमें शामिल करे तो अल्लाह ताला जन्नतियों के लिए क्या है अपनी रजा का परवाना और फिर दूसरी रिवायत में आता है योम मजीद का मतलब ये भी है कि इंसान अल्लाह ताला इंसान को अपना दीदार करवाएंगे और इंसान कैसा देखेंगे कि बगैर कोई तकलीफ के जैसा आज हम चांद को देखते हैं वैसा हम अपने रब को देख सकेंगे अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए कुछ क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा और क्वालिटीज क्या है अव्वाब अववाब का मतलब क्या है कि बार बार अल्लाह ताला की तरफ जो है पलटने वाला आयत नंबर थर्टी सिक्स

दो चीजों से नुकसान हो जाता है इबादतों का कैसा कि आप जो है नमाज पढ़े नमाज पढ़ के आप सौ क्या कमाए उसके बाद जाकर जो है आप अपने मम्मा से बदतमीजी करें तो उसके बाद जो है आपको सौ क्या माइनस हो गए तो अब क्या हुआ आप अपनी नमाज को जाया कर दिए जैसा हो गया आप क्या हो गया नमाज को जाया कर दिए जैसा हो गया और अम्मी की नाफरमानी एक लिखे भी गई गुनाह के अंदर एक लिखा भी गया तो नेकी करना बड़ी बात नहीं है नेकी की हिफाजत बड़ी बात है कि नेकी करने के बाद फिर कोई ऐसा गुनाह का काम नहीं करे जिससे हमारी नेकी के आमाल नेकी का जो अजर है अजर नेकी तो नहीं होगी नेकी का अजर जाया हो जाएगा दूसरा क्या है नेकी की हिफाजत कैसा करना है रियाकारी से बचकर कि नेकी करने के बाद अगर रियाकारी करे तो पूरी नेकी बर्बाद हो जाएगी तो नेकी की हिफाजत क्या है रियाकारी से बचना है और तीसरी क्वालिटी क्या है कि रहमान से डरते रहना है उसकी नाराजगी से डरते रहना है चौथी क्या है कि मुनीब लेकर जाना है अल्लाह के नजदीक यानी कि ऐसा दिल जो बार बार पलटता है गुना हुआ अल्लाह की तरफ पलटा बार बार अनाबत करने वाला बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला बार बार पलटने वाला जो है दिल क्योंकि दिल क्या है उलट पुलट होने वाली चीज है कल्ब क्या है कल्ब क्या है उलट पुलट होने वाली चीज है पर वो जब पलटेंगी तो वापस पलटा के अल्लाह की तरफ लेके जाना फिर उन्हें पलट दी फिर अल्लाह के पास वापस पलटा के लेकर जाना तो कल भी मुनीब लेकर जाना तो अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर अल्लाह हमको सलामती के साथ जन्नत में दाखिल करेगा और वहां पर हर चीज अल्लाह अता करेगा और मजीद भी ऐसी चीजें अदा करेगा जिसका तस्वुर हमारे अंदर नहीं है हम इनसे पहले बहुत सी कौमों को हला कर चुके हैं जो इनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थी और दुनिया के मुल्कों को उन्होंने छान मारा था फिर क्या वो कोई जाए पना पा सकते हैं यानी कि पहले की कौम भी इनकार करे बहुत ताकतवर थे पर अल्लाह क्या है कुछ भी उन तो जो है बचने की आ, 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 रास्ता नहीं था इस तारीख में इबरत का सबक है हर उस शख्स के लिए यानी कि लेसन है हिस्ट्री में हर उस शख्स के लिए जो दिल रखता है और या जो तवज्जे से बात सुने बात को सुने तवज्जे से तो अगर हमको जो है आखिरत का आखिरत का लेसन होना है अपनी जिंदगी सुधारना है तो तवज्जो से हमको सुनना भी है और फिर उससे लेसन भी लेना है हमने जमीन और आसमान को और उनकी दरमियान की तमाम चीजों को दिनों में पैदा कर दिया और हमें कोई थकान लाक नहीं हुई बस ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें ये लोग बनाते हैं इन पर सब्र करो और अपने रब की हमद के साथ इसकी तस्वीर करो क्या करने का है जब दीन का काम है अब देखिये की अल्लाह तला यहाँ पर जो है आप सलील को नसीहत करने से पहले जमीन और आसमान की पैदाइश छह दिन में बनाए बोल के बोल रहे हैं क्या कनेक्शन है इसके अंदर अगर हम गौर करेंगे तो अल्लाह तला बोल रहे हैं कि देखो कोई भी काम जो है इमीडिएटली नहीं होता राइट right? कोई भी काम जो है इमीडिएटली नहीं होता कि अल्लाह तला जो है जमीन और आसमान को भी बनाने के लिए अल्लाह उसको जो है बतदरीज स्टेप बाई स्टेप छह दिन में अल्लाह तला ने उसको बनाया चाहे तो हुक्म से बना सकते थे तब इससे हमको क्या समझ मिलता है कि इवन दीन का काम भी जो है स्टेप बाय स्टेप होता है आहिस्ता आहिस्ता होता है, आईस्टा आईस्टा होता है सबर से काम करना पड़ता है ये नहीं कि आप जो है दावत देते साथ एक्सपेक्ट करें कि नहीं 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 सब लोग सुन लेना सब हमारी बात पर लबेक कहना सब अमल शुरू कर देना सब अपनी बुराइयों को छोड़ देना नहीं अल्लाह तला बोले कि आहिस्ता आहिस्ता होता उसके लिए क्या करना पड़ेगा सबर करना पड़ेगा और उनकी बातें उन्होंने फिर आपको जो है तकलीफ दे काम भी करेंगे बातें भी करेंगे तंज भी करेंगे उस पर भी सबर करना और क्या करना है इसको इससे मदद कैसा लेना है हमद और तस्बी के साथ अल्लाह की हमद बयान करो तस्बी बयान करो उसके साथ जो है मदद लेने का है और फिर क्या है कि यहाँ पर ए, दो चीजें मुराद है हमद और तस्बी से दो चीजें मुराद है एक है नमाज और दूसरा है क्या है इन जनरल तस्बी है ठीक है अगर नमाज इससे मतलब लेंगे तो इसका ये मतलब निकलता है जो मैं आप बता रही हूँ कि अपने रब की हमद के साथ उसकी तस्बी करो यानी कि नमाज पढ़ो कब कब तुलुए फजर यानी तुलुए आफ्ताब यानी कि फजर की नमाज और ग्रूब आफ्ताब से पहले गुरुब आफ्ताब से पहले क्या क्या होता है जहर और असर की नमाज होती है और रात के वक्त यानी कि मगरब और ईशा की नमाज होती है फिर उसकी तस्बी करो और सजदा रेजों से फारे होने के बाद भी यानी कि उसकी तस्वीर फिर करना है सिर्फ नमाजें पढ़ ले की समझ जाना नहीं है कि तस्वीर का न खदा हो गया बल्कि उसके बाद भी करना है यानी कि नमाज के बाद के असकार की तरफ इसका इशारा है क्या है नमाज के बाद के असकार की तरफ इसका इशारा है अब अगर हम इसको नमाज के तरीके से नहीं लेंगे जनरल लेंगे तो अल्लाह तहाँ पर बता रहे की सुबह शाम की तस्वीर यानी कि जो सुबह शाम के अस्कार जो हम पढ़ते हैं ना मॉर्निंग इवनिंग अस्कार जो हिस्सन मुस्लिम में हमको दिए हुए हैं तो वो सुबह शाम के अस्कार और उसके अलावा भी कुछ भी तस्बीहात अल्लाह की हमद और तस्बी के कोई भी कलिमात जो है हमको अदा करने का है और रात के वक्त भी यानी कि जब आप सो रहे जैसा बीबी बीबीआई फातिमा रजत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया ना कि सो, सोते वक्त जो है सुबह अल्लाह थर्टी थ्री टाइम्स अलहदुल्ला थर्टी थ्री टाइम्स आपको जो है पढ़ने का है तो ये तस्बीहात आपको जो है सुबह अल्लाहिला पढ़ने का है और वैसे भी जो है सुबह अल्लादल वाहकबर अगर ये शख्स कोई सौ मरतबा पढ़ ले तो क्या आता है कि क्यामत के दिन इससे ज्यादा अजर लाने वाला कोई नहीं रहेगा इतना ज्यादा उस दिन का अजर सबसे ज्यादा उसका जो है लिखा जाएगा तो ये जो तस्वीर है जिसमें तस्वीर भी है और हम दोनों भी है और फिर क्या है कि बाद में जो है नफील नमाजें नमाजों का भी अहतमाम हमको करने का है और सुनो जिस दिन मुनादी करने वाला हर शख्स के करीब ही से पुकारेगा यानी कि क्यामत के दिन जब जो है आवाज लगाई जाएगी तो हर खबर से उठने वाले शख्स को ऐसा महसूस होगा कि यहीं खरीब से बाजू ठहर कर कोई आवाज दे रहे जबकि पूरे जो है दुनिया में जहाँ जहां कोने में जो भी मदफीन है मद, तदफीन है वो तमाम लोगों को जो है फरिश्ते की आवाज सुनाई देगी अब अल्लाह सुनाने सुनाएगा बेहतर जानता है जिस दिन सब लोग हशर को ठीक-ठीक सुन रहे होंगे वो ज़मीन से मुर्दों के निकलने का दिन होगा हम हम ही जिंदगी बख़शते हैं और हम ही मौत देते हैं और हमारे ही तरफ उस दिन सबको पलट पलटना है जब जमीन फटेगी और लोग इसके इसके अंदर से निकलकर तेज तेज भागे जा रहे होंगे ये हशर हमारे लिए बहुत आसान है ये हशर ये लोगों का जमा करना हमारे लिए बहुत आश, आसान है क्योंकि इंसान ख्याल कर सकता ना पता नहीं भाई कितने लोग दुनिया के कौन से कोने में मरे हुए पड़े हुए हैं कोई बह गए होंगे कोई जल गए होंगे कोई जो है कहाँ कहाँ पर तदफीन होंगे सबको निकालेंगे अल्लाह तला कैसा पॉसिबल है अल्लाह तला बोले बहुत ईजी है हमारे लिए हशरुन ना यसीर बहुत आसान है हमारे लिए अबी करीम सम जो बातें ये लोग बना रहे हैं यानी क्या कि क्यामत के दिन का इनकार कर रहे हैं और तुम्हारा इनकार कर रहे बातें बना रहे हैं इन्हें हम खूब जानते हैं और तुम्हारा का और तुम्हारा काम इनसे जबरन बात मनवाना नहीं है बस तुम इस कुरान के जरिए से हर उस शख्स को नसीहत करो जो मेरी तमबीह से डरे जो मेरे जो है वार्निंग से डरे बस उनको तुम नसीहत करो अब उसके अलावा आप जो नहीं समझने वाला है उसको भी तुम जबरन जो है ईमान नहीं दे सकते जबरन हिदायत नहीं दे सकते वो तुमसे मानने वाला नहीं तो चलिए इन यहाँ पर हमारा जो है काफ़ कंप्लीट हो गया हमारा...